भी recording. हाँ तो क्वेश्चन नंबर फोर थे देख लेते हैं अब हम। ये कहता है कि, है। हाँ ये तो छोटू क्वेश्चन है ये कहता है कि ए बी सी जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड भी है ठीक है एबीसी क्या आपका ये बना लिया हमने ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है सी पे राइट एंगल्ड है किस पे सी पे तो इसको मान लिया हमने ए इसको मान लिया हमने बी और ये कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है ये क्या कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस कैसे होगा ये वाली साइड इसके बराबर तो होगी नहीं बराबर होगी हाइपोटिन्यूज तो सबसे बड़ी होती है तो इसका मतलब ये दोनों बड़ी, बड़ी बराबर के तो गिवन हमें क्या है यहां पर देखो कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी यानी कि एक तो आपको एंगल सी दिया है 90 डिग्रीज का और आपको दिया है ए सी इज इक्वल टू ए बी है ना आइसोसिलस है तो ये बराबर होगा ये अब आपको प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर अब देखो एक बात बताओ लगा हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं

ए सी स्क्वायर है सीबी की जगह भी क्या लिख दिया ए सी लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस AC is equal to CB और ये क्या हो गया खत्म हो गया सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया स्क्वायर ठीक है ये आपका प्रूव हो गया आपने कुछ नहीं करा क्वेश्चन में आपने सीधा ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई ये लिखा और उसके बाद आपने बोला ए और सीबी तो बराबर हैं तो दो बार एसी लिख दिया सवाल आपका खत्म हो गया इजी क्वेश्चन है समझ में आया सबको बता दो मानव सचिन देखो ये कहता है कि एबीसी जो है ये हमारा या ए सी बी एबीसी जो हमारा एक ट्रायंगल है राइट एंगल डे सी पे अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के ठीक है तो हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्र प्लस सीबी स्क्वायर साथ में हमें दिया था कि एक है, इसका मतलब क्या होगा ये वाली साइड ए बराबर होगी सीबी के तो हमने लिख दिया था कि ए और CB बराबर है तो हमने कुछ नहीं करा CB की जगह फिर से ए लिख दिया तो ट्विस्ट ऑफ ए आ गया सवाल खत्म दो स्टेप का आंसर था इसका क्लियर है बच्चों? हाँ yes, भैया क्वेश्चन नंबर फाइव देख लो क्वेश्चन नंबर फाइव भी सेम है इसी के जैसा है इसका कन्वर्स है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है आ, इसका कन्वर्स है तो कन्वर्स है कहता है एबीसी जो है हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर से बना लेते हैं एबीसी ठीक है ये हमने बना लिया ये यह बस यहाँ पर एसी की जगह बीसी लिखना है एबीसी हमने बना, लिए लिए लिए। बना लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया ठीक है अच्छा ए इक्वल टू बी दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सी लेना पड़ेगा इसकी निप को क्या हो रहा है आ जाएगा हमारा ए सी और यह हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी ठीक है ठीक है अब इसमें हमें क्या दिया है एक आइसोसलिस ट्रैंगल है तो गिवन हमें क्या है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी और आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर आपको प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रैंगल है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगेगा इसमें ठीक है हम बोलेंगे कि हमें क्या है हमारे पास क्या दिया हुआ है वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब ए सी इज इक्वल टू बी सी है BC तो इसमें इस से एक ए सी की जगह बी सी लिख दो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब ये क्या आ गई अगर आपके पास A, ये कंडीशन आ गई इसका मतलब क्या है

भैया मैंने मैम से पूछा था कि इसमें मतलब वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम वो पाइथागोरस थ्योरम लिखना है जरूरी है तो उन्होंने बोला अगर तुमने मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है तो सीधा ये राइट एंगल ट्रायंगल है हां तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था ना ये तभी तो इसमें पाइथागोरस सीधा नहीं लगाई हमने मतलब ये कन्वर्स मतलब हमें लिखना है हां बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लिखना है इसमें आपको अच्छा ठीक है भैया अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कहता है कि मैं यार एक तो मैं इससे परेशान हो गया रुक जा बच्चों एक बार मैं ना चेंज कर ही लेता हूं ये निप को भैया निप खराब हो चलो अब देखो बच्चों आ गए हम आज निप खराब हो गया निप इसकी ना ढीली हो गई चेंज कर दिया मैंने देखो कहता है एबीसी हमारा एक इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है तो हम एक इक्विलेटरल एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये ठीक है ये हमारा ए बी सी एक एकटल ट्राइंगल है ए बी सी ठीक है और इसकी साइड है टू ए यानी कि ये भी टू ए होगा ये भी टू ए होगा और ये भी टू ए होगा तीनों टू ए टू ए होंगे फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड तो एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले तीनों ऑल्टीट्यूड एक जैसी होंगे इसके कोई एक ड्रॉ कर लेते हैं जैसे कि हमने ये एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ठीक है ये क्या है इसका ऑल्टीट्यूड है इसको इसको हमने हमने मान लिया, लिया। तो क्या ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो पहली बात तो थर्ड साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होता है उसकी पता है ना, आपको क्या होती है रूट थ्री टाइम्स ए है ना भैया रूट थ्री है यहां पर हम नोट डाल के आप याद रख लेना इन चीज को कि द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट थ्री टाइम्स क्या सॉरी रूट थ्री बाय टू होती है रूट थ्री बाय टू इंटू साइड ठीक है ये हमारी वो होती है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इक्विलेटल ट्राइंगल्टीट्यूड हाँ ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो अच्छा, हमारा हाँ इसको हम प्रूव कर सकते हैं ठीक है हम इसको अभी करके थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताने के अभी मैं ऊपर से करके बता देता हूँ पर आपको इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है ठीक है और एक और रिजल्ट याद रखना है आपको कि ऑल्टीट्यूड मतलब वो है सीधा यूज कर सकते हो हाँ सीधा यूज कर सकते हो ऑल्टीट्यूड ऑफ एन हो सकती है इक्विलेट्रल ट्राइंगल डिवाइड द थर्ड साइड इंटू टू इक्वल हाफ ठीक है और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की

पहले पूरा ट्रेंगल ही लेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसने क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है सबसे पहले बोलेंगे लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रैंगल ऑफ साइड टू ए ठीक है ये आपका इक्विलेटरल ट्रैंगल है एंड ए डी बी ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रैंगल ठीक है नाउ इसका यूज कर सकते हैं हम कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स ठीक है सो so, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बी डी है ये बराबर होगा डीसी के और दोनों क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे अगर ये पूरा टू ए था तो ये क्या हो जाएगा ए ए हो जाएगा बी डी भी ए हो जाएगा और डीसी भी ए हो जाएगा अब देखो आपको कुछ नहीं करना ये आधा वाला जो ट्रेंगल है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना ये एक राइट एंगल हाँ ट्रेंगल, हाँ ट्रेंगल है. है तो जो आधा वाला ट्रेंगल है उस आधे वाले ट्रेंगल में पाइथागोरस लगा देनी है आपको आधे वाले में क्या करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है ठीक है तो देखो हाँ जाएगा फिर हाँ फिर आपका आ जाएगा फिर तो ये तो ओर और तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर अब ये यहाँ क्यों जा रहा है ए रूट एरोट्री आ जाएगी क्या तो फिर तो अल्टीट्यूड की लेंथ हाँ हाँ चलो ये देखो अब हम क्या करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी अगर हम ए डी बी की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा हमने

रूट थ्री इंटू ए आ गया ये आ गया और यही आपको प्रूफ करना था नहीं सॉरी ये आपको फाइंड करना था फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड और तीनों एल्टीट्यूड सेम होंगे तो आप बोल सकते हो हेंस द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर

Two, three, by two, two A. ये इसी से तो बना है अगर मैं ए ए ले लूंगा सारी साइडों को जैसे यहाँ पे टू ए था अगर इसकी जगह ए होता तो ये ए बाई टू होता तो फिर यहाँ से यही आ जाता ठीक है ये क्लियर है बच्चों सभी को मानव सचिन चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ये आपका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में वाला क्वेश्चन कौन सा सर नाइन ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव ऐसे कुछ करके था आएगा इसी एक्सरसाइज में ये रहा अच्छा सर, ये रहा भैया फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन है हाँ ठीक है ये कोई पहाड़ क्वेश्चन नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है अभी ओके अभी वो तो मैं सोच रहा हूं सर वो क्वेश्चन अभी तक आए नहीं मतलब ये एक्सरसाइज आठ क्वेश्चन तक देखो बच्चों आठ तक नहीं है सत्रह तक है कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस तो रोम्बस बनाना पड़ेगा आपको रोम्बस बनाने का जुगाड़ है हमारे पास ये हमने रोम्बस बना लिया ठीक है अब रोमबस बना तो दिया है पर रोमबस लगना भी तो चाहिए भैया ठीक है ये हमने रोमबस बना लिया इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ठीक है कहता है प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोमबस यानी कि जो साइडों का स्क्वायर है आपको प्रूफ क्या करना है के 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 सम स्क्वायर इक्वल साइडों का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हाँ ये किसके बराबर है इज इक्वल टू द स्क्नल प्लस ए सी स्क्वायर यानी कि प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसके बराबर है यानी कि साइडो का स्क्वायर का जो सम है वो डायगनल के स्क्वायर के सम के बराबर है ये हमको प्रूफ करना है ठीक है ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है बात समझ में अच्छा अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डिग्री पर ये बराबर होगा हाँ नाइन्टी डिग्री नहीं पर बाइसेक्ट हाँ. करते हैं ठीक है ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके ठीक है यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे सब में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और हो जाएगा सवाल और कुछ नहीं इसमें ऐड हो भैया यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दोगे प्रूफ में कि डाइग्नल्स भैया ऑफ आ हाँ बेटा भैया सारी साइड्स भी तो इक्वल होती हैं शायद रोमबस की हाँ सारी साइड इक्वल होती हैं हाँ भैया तो भैया सीधा ये नहीं प्रूफ कर सकते फोर 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 ए स्क्वायर इक्वल टू ए बोला नहीं है ना उसने प्रूफ, प्रूफ करने के लिए जो बोला वही तो करेंगे इसने बोला नहीं है ना फोर ए करने के लिए इसने ये प्रूफ करने के लिए मतलब कहते हैं चारों साइड इक्वल है तो चारों साइड इक्वल तो है तो भैया एक ही को लिख लो ना अरे मतलब उसने बोला है ना कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस उसने ये थोड़ी बोला है कि एक ही लो उसने बोला है ना सभी साइडों का स्क्वायर तो सभी लिख रहे हम अगर उसने बोला होता कि फोर टाइम्स वन ऑफ द साइड इज इक्वल टू तो फिर हम वो कर लेते हैं, है ना बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली ठीक है जो डायगनल होते हैं रोमबस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ठीक है तो अब आपको कुछ नहीं करना है आपको सभी हिस्सों में इसको मान लेते हैं ओ और सभी हिस्सों में पाइथागोरस लगा देनी है अगर मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल ए की तो ए में क्या है सबसे बड़ी साइड तो ए बी है ये क्या होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम अब मैं इसको पीटी लिखूंगा आगे से ठीक है इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इसको मान लेते हैं हम वन इसी तरह अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें बी ओ सी में तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इसको मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन इसी तरह अब अगर बात करेंगे इन ट्रैंगल COD डी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि सी डी का स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इसको मान लेंगे थर्ड और इसी तरह इन ट्रैंगल लास्ट क्या बचा हमारा डी ओ ए बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कुछ नहीं करना चारों को ऐड कर देना ठीक है देखो चारों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर है ना तो चारों को ऐड तो करना ही पड़ेगा फिर उनकी जगह लिख देंगे ठीक है वन टू थ्री फोर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी स्क्तर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्र ये तो आपकी एल एच एस हो गई आर एच एस में क्या आपका सबसे पहले एओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस बीओ स्क्स स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर अब देखो एल तो आपको जो चाहिए थी वही है आपके पास एल के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है छेड़छाड़ हमें किससे करनी है किस से करनी है है ना ये देखो ये ए ओ है ये भी एक् है दो ओ सी है दो ओ डी है तो मैं सीधा लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी ओ भैया ठीक है अब देखो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ए ओ है ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो इनकी जगह लिख देंगे हाँ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ना तो देखो ओ ए और ओसी क्या होगा बराबर होंगे तो ओ ए और ओ सी हाँ, की जगह हम क्या लिख सकते हैं ओ ए और ओ सी की जगह लिख देते हैं हम मान लो ट्वाइस ऑफ ओ ए का स्क्वायर इसी तरह ओ बी और बी डी की जगह लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ओ बी का स्क्वायर यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी OB इज इक्वल टू OD. सर फाइव से नाइन चैप्टर आ रहे हैं फाइव हो चुका है सिक्स चल रहा है सेवन हो चुका है एट और नाइन कराने ना आपको तो हो जाएंगे बच्चे अब धीरे धीरे अब देखो इन दोनों में से फिर टू कॉमन आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा फोर अंदर बचेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर है ना अब देखो ये जो ओ ए है इस ओ ए को मैं लिख सकता हूं कि हमारा ए सी का आधा है ओ ए क्या हमारा एसी का आधा है।, है, है कि नहीं है बिल्कुल इसको मैं बोल सकता हूं एसी का आधा का स्क्वायर इसी तरह ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बी डी के आधे का स्क्वायर और इस पूरे के बाहर हो जाएगा और है ऐसा हमने इसलिए कराया क्योंकि हमें एसी और बी डी चाहिए अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा फोर टाइम्स ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर एलसीएम लेंगे हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फोर से फोर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ठीक है यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा आ गया ये सात क्वेश्चन करने थे तो हमने कर लिए एक और कर लेते हैं अब देखो बच्चों एक बार फिर से समझ लो इसको हमने क्या करा इसमें हमने कुछ नहीं करा इसने बोला था हमारे पास एक रोमबस है और हमें प्रूफ करना है कि इसकी साइडो के स्क्वायर का सम इसके डायगनल के स्क्वायर के सम आता है तो हमने बोला कि अगर रॉम्बस है तो इसके डायगनल क्या करते होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे परपेंडिकुलरली यानी कि बीच में सारे बन रहे नाइन्टी डिग्री के एंगल और एओ बराबर है ओ के और डी बराबर है ओ के ठीक है तो अब हमने क्या करा चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी है आपको आपको क्या करना है चारों में पाइथागोरस लगानी है चारों में पाइथागोरस लगाओगे तो उसके बाद आपको चारों को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एडी स्क्र एल एच एस आपकी आ गई जो जो आपके आपके पास पास है उसमें जो आपके पास सबसे पहले नजर में आएगी उसमें आपको सीधा दिखेगा कि ए ओ दो बार है बी ओ भी दो बार है सी ओ भी दो बार है डी ओ भी दो बार है सब में से दो कॉमन ले, ले लेना उसके बाद आपको एक चीज सोचनी है कि ए ओ और ओ सी ये दोनों के हैं बराबर हैं तो दोनों की जगह हमने ओ ए लिख दिया इसी तरह यहाँ पर ओ बी लिख दिया दोनों का टू फिर से कॉमन ले लिया अब आर एच एस को जब आप देखोगे तो आपको AC और बी डी चाहिए तो हम AO को AC में कन्वर्ट करेंगे कैसे AO को लिख देंगे हाफ ऑफ ए सी और इसी तरह बी ओ को लिख देंगे हाफ ऑफ बी डी लेंगे चार से चार कट जाएगा सवाल खत्म क्लियर है बच्चों क्वेश्चन सभी को भैया। बाकी बच्चों को भी क्लियर है हाँ। अब एक क्वेश्चन और देख लो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बाकी जो होमवर्क में क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ ना आपके लिए सारे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लगानी है हाँ, ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है ना सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ इनमें करना ही नहीं ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद आपके दो तीन क्वेश्चन बचेंगे बस ये दो क्वेश्चन आपके थोड़े से कराने वाले हैं दो तीन उसके बाद फिर आसान क्वेश्चन होगा आपको भी हाँ ठीक है बाकी आप फिर से कर सकते हो तो चलते हैं देखो एथ क्वेश्चन सीख लेते हैं ये देखो कहता दे है इन फिगर 6.54 इंटीरियर ऑफ दी सी ओडी हमारा परपेंडिकुलर बीसी के ये सारे परपेंडिकुलर दे रखे शो करना है हमको कि ओ ए ओ ए का स्क्वायर तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो ओ ए का स्क्वायर आएगा इसी तरह ओबी का स्क्वायर भी मांग रहे हो तो और ओसी को भी करना होगा ज्वाइन ओसी को भी ज्वाइन करना होगा ठीक है तो ये आपको ज्वाइन करना है इसमें सबसे पहले आपको ये शो करना है तो पहले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों देखो आपको जो भी शो करना है उसमें आने वाली जो जो भी साइड है जैसे ओ चाहिए आपको ठीक है इसी तरह आपको क्या चाहिए ओ बी चाहिए और ओ सी चाहिए अब देखो अगर मैं इस ट्रैंगल की बात करू दिख रहा है ट्रैंगल दिख रहा है ना या इसको भी ले लू मान लो किसी को भी ले लूंगा भैया ए एफ वाले ठीक है यहाँ से हम हाँ। इसको ले लेंगे बी डी चाहिए और उसके बाद क्या हमें सीई चाहिए तो हम यहाँ से इस वाले को ले लेंगे इन तीनों में कुछ नहीं करना 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं आपको ये 90 का है ये 90 का है ये 90 का है पाइथागोरस लगानी है तीनों में ठीक है तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल एओ एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि ओ ए का स्क्वायर ओ ए हमारा क्या है hypertinus क्या है ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर इसको मान लेंगे हम वन इसी तरह अगर हम बात करें इन ट्राइंगल कौन सी बीओ डी की तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारी हाइपोटिन्यूस है यानी कि ओ बी का स्क्वायर ये हो जाएगी हमारी सेकेंड और थर्ड वाला ले, ले लेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है सीओ इसमें है। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर ये थर्ड है अब तीनों को ऐड कर दो ऐड सवाल खत्म तीनों को ऐड करते एड ये क्या हो जाएगा प्लस सीई स्क्वायर अब आप उसको देखो जो आपको प्रूफ करना है, इसमें क्या आपका ए एफ बी डी सी समझ नहीं आया सर पहला वाला पार्ट देखो एक बार फिर से देख लो ये आपके पास फिगर है ठीक है जो आपको प्रूफ करना है ना आपको उसके हिसाब से चलना है आपको क्या प्रूफ करना है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ई अब ओ ए का स्क्वायर तो आप तब प्रूफ करोगे ना जब आपके पास ओ ए साइड होगी तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर लोगे इसको इसको ज्वाइन कर लिया इसको भी ज्वाइन कर लिया इसको भी ज्वाइन कर लिया ठीक है ये क्लियर है अब देखो जो आपको प्रूफ करना है वो ट्रैंगल्स में आप पाइथागोरस लगाओगे ठीक है अब देखो जैसे ओ ए वाला ठीक है ओ ए आ रहा हो जिसमें और ए एफ आ रहा हो देखो ओ ए इसमें आ रहा है और ए एफ इसमें आ रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एक इस ट्रैंगल में आप पाइथागोरस पाइथोगे इस ट्रैंगल में हाँ, हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसी तरह ओ बी और बी डी ये किसमें ओ बी और बी डी इसमें तो एक बार हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद ओ सी और सीई तो एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन तीनों ट्रैंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ठीक है इस वाले में इस वाले में और इस वाले में तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हाँ सर देखो पहले एओ एफ में लगाया तो क्या है ये इसकी हाइपोटेन्यूज है तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसी तरह ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और इसी तरह ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस सीई e का स्क्वायर ये क्लियर है तीनों में पाइथागोरस लगा दी अब आपको क्या करना है तीनों को एड कर लेना है तीनों को ऐड करा तो क्या हो गया तीनों की एल एच एस एड हो जाएगी और तीनों की आर एच एस भी हो जाएगी ओ ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ओ बी ओ सी स्क्वायर और इन सबको भी एड कर लिया ये आ गया अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था। जो हमें प्रूफ प्रूफ क्या क्या करना करना था उसमें क्या था था जो उसमें देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ये तो मेरे पास आ चुका है है ना और राइट हैंड साइड में मेरे पास चाहिए था ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर ए एफ आ चुका है बी डी आ चुका है सी ई आ चुका है बाकी ये जो तीन है ये तीन देखो उधर ले आके माइनस में हो जाएंगे ना ओडी ओ e और ओ एफ तो ओडी ओई e और ओ एफ को हम उस साइड ले जाएंगे सवाल खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर जिनको उस साइड ले आना है उनको उस साइड ले जाओ माइनस ओडी का स्क्वायर माइनस ओ ई e का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर ये हमारा बराबर आ जाएगा किसके एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर आया समझ में परी बेटा आपको आया परी आपको आया समझ में भैया ठीक है अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ई अच्छा आप देखो जो सेकंड पार्ट में आपकी एलएचएस है वो फर्स्ट पार्ट की आपकी आरएचएस है कि नहीं है है भी बिल्कुल हाँ सचिन कर लेंगे देखो जो इसकी हम हमने जो अभी प्रूफ करा है जो इसकी RHS है वो सेकंड वाले की LHS है, है ना तो आप एक बात बताओ हम इसी को लेकर चल लेंगे और यहीं से हम इसकी आर एच एस बनाने की कोशिश करेंगे सेकंड वाले में हम क्या बोलेंगे वी हैव हमारे पास क्या है क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अब o F देखो बच्चों यहां से आपको एक चीज ध्यान देनी है अगर मैं ओ ए स्क्वायर और ओ स्क्वायर इसकी बात करूं देखो ओ ए क्या है ये है और ओ क्या है ये है ठीक है e अगर मैं हाँ देखो हमारे पास क्या था कि इसमें से अगर हम देखें, ये वाला था ना नहीं ये वा... हाँ यही वाला था ओ ए का, का स्क्वायर और, किसका था? A F का? O e का? ये वो नहीं था वो नहीं है भैया। अच्छा अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेना। तो हाँ, हाँ, दूसरे का काम आ गया। अब जो बचे वाले ट्रायंगल है उनको लेना है इसमें यानी कि इस वाले को इस वाले को और इस वाले को अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है है ना और इसमें क्या हमारे पास कि AO का स्क्वायर बराबर है OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है OA और OE तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू AE का स्क्वायर AE का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हाइपोटेन्यूज माइनस दिस तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है तो हम इनके पेयर बना लेंगे बच्चों जहां जहां पर जिस जिसके भी पेयर बन रहे होंगे इनके पेयर बना लेंगे ये हो जाएगा हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जिन जिन से भी हमको साइड मिल रही होगी उनके हम पेयर बना लेंगे जैसे कि हम बना लेंगे ओ ए स्क्वायर का और सॉरी माइनस माँण, आएगा माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर का इसका हमने पेयर बना लिया प्लस अब देखो ओ सी और ओडी ओसी और ओडी को देखो अगर मैं ये ओ सी और ओडी ये वाला इसमें आपका ओ सी और ओडी आ रहा है यहां से आपको क्या मिल जाएगा डीसी सी मिल जाएगा ठीक है ये इनको जोड़ लिया हमने ठीक है तो ओसी ये और ओडी ये इनसे हमको क्या मिल जाएगा सी डी मिल, मिल जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर और बचा क्या हमारे पास ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ओ बी ये है और ओ एफ जाएगा e, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बी मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे A ये स्क्वायर ए ई का स्क्वायर ठीक है यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सी डी का स्क्वायर और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बी एफ का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर यही That's आपको प्रूफ करना था ठीक है कि ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ये क्लियर है बच्चों हाँ भैया इनमें कुछ सिमिलरिटी का यूज भी नहीं करना इनमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस ही लगी है ओनली ये क्लियर है यहाँ तक बता दो बच्चों एक बार अभिषेक परी सचिन आप लोगों को क्लियर है भैया ये मात्र मिनट बचे हैं। हाँ अब आपके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं इन क्वेश्चन को हम संडे की क्लास में कर लेंगे और कोशिश करना बच्चों कि आप ये जो आसान आसान क्वेश्चन है कम से कम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक तो आप लोगों को करना ही है ठीक है थर्टीन से भी आप वैसे कर सकते हो थर्टीन कैसे करते हैं सर इलेवन वाला इलेवन वाला, वाला? बेटा इलेवन वाले में कुछ भी नहीं है ये देखो

ठीक है चलो बच्चों तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बाकी संडे की क्लास तो में करेंगे और इसके रखना आप, हाँ, और और आप लोग खासकर इस चैप्टर पे जोर डालो क्योंकि बाकी सबके देखो दीपाक्षी के स्कूल में तो कुछ भी काम नहीं चल रहा है वो तो अपना भी पड़ेगी तो उसका काम चल जाएगा मानव और पेपर हो चुके हैं मैथ के मानव रूनी और आर्यन के

ठीक है बच्चों चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है भैया ओके okay, बच्चों okay, भैया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग